हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका मेरे पहले व्लॉग में। और आज के व्लॉग में अपन चलने वाले हैं खेत की ओर। आपको दिखाने वाला हूँ अपने खेत, तो चलिए चलते हैं। चलने से पहले थोड़ा सा दूध पी के चलते हैं। मैं भी अपने खेत में पहुंच चुका हूं। और यार क्या बताऊं कि अभी जो गर्मी हो रखी है ना, बहुत शानदार वाली गर्मी हो रखी है। चलो अपना थोड़ा खेत का लुत्फ उठाइए। अभी देखा आपने खेत, सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा हरियाली भरे हो रखे हैं इस टाइम, क्योंकि अभी ये आपको जो पीछे कुछ ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये बाजरा है। बाजरा तो आप लोग जैसे राजस्थान में तो खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शहरों हैं वहाँ पे बाजरा तो बहुत कम खाते हैं। खाते तो हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं। तो जो बाजरा आप खाते हो वो यहाँ से जाता है, इन खेतों से जाता है, हमारे से होके जाता है। अभी गर्मी तो आप खुद भी देख सकते हो कि मेरे माथे पे पसीना भी दिख रहा होगा, और देखो टी शर्ट भी भीगी हुई है। यार देखो, जब एक किसान खेती करता है तो पता नहीं कितना खर्चा उस पर लगाता है। कई बार क्या होता है कि बारिश न होने की वजह से उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। जैसे पीछे की बता दें तो अभी पीछे चने की बुआई हुई थी, तो उसमें ना अगर 40 किलो मान लो किसी के पास थोड़ी सी ज़मीन है, अगर उसने थोड़ी ज़मीन है, कईयों के पास थोड़ी होती है, कईयों के पास ज़्यादा होती है, तो एक बंदे ने 40 किलो चने उस ज़मीन में बोए तो उस बंदे को 40 किलो चने रिटर्न में भी नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? बारिश की वजह से। बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। और राजस्थान का यही हाल है कि 90s का दशक था तब होती थी बारिश, मतलब जब बड़े पापा ताऊ जी बताते हैं, लेकिन अब का दौर ऐसा है कि जब चाहिए होती है तो बारिश नहीं होती। और सरकार भी कुछ ऐसा खास नहीं कर रही किसानों के लिए, कर रही है ऐसे मोदी सरकार में जैसे कईयों की केसेस माफ़ हुई है, कुछ हुई है, लेकिन समझ रहे हो ना आप। जिस झोपड़ी में मैं खड़ा था स्टार्टिंग में, चलो वो झोपड़ी आपको दिखाता हूँ। ये वो झोपड़ी है, छोटी सी झोपड़ी जहाँ पे मैं खड़ा था पहले, इसके अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे बॉक्स पड़ा है, बॉक्सिंग वाला, और छोटी सी झोपड़ी है अंदर ये। ये मटका पड़ा है पानी का यहाँ पे, ये लकड़ियाँ पड़ी है कुछ, ये गोभी पड़ा है, टिड्डिया आई थी तब हमने बोला था इसको, बजा बजा के टिड्डियों को भगाया था। एक लकड़ा था एक्स्ट्रा, ये छोटा सा
इसी क्या बोलते हैं कुटिया, आप कह सकते हो कुटिया। ये मेरा पहला व्लॉग था, जितना उसके मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। बट यार अब जो भी कुछ भी कमियां हो आप बताना चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार। और उसके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ इतना तो पता है कि अगला व्लॉग जो होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते जाओ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तभी के लिए बाय बाय।